तो आज हम जो है मोल कंसेप्ट में जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ये है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। इस सीरीज में हम मोल कंसेप्ट पे सारे सब टॉपिक्स को कवर करेंगे और बिल्कुल इस तरीके से कवर करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं तो आपको उस चीज का पूरा फील आए, आप क्वेश्चन करने लायक हो। तो इसी उद्देश्य के साथ हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। तो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है जेड एक्स ए। एक्स इज फॉर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा उसका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और जेड ए और ए ये क्या चीजें हैं? तो जेड हमारा है एटॉमिक नंबर। व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर। और जितना जेड होता है उतने ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है? तो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरी चीज जो ए है, दिस ए इज कॉल्ड एज ए मास नंबर। अब मास नंबर एक्चुअली यूनिट प्लेस होता है, इसकी कोई यूनिट हम दिखते नहीं है। और मास नंबर एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? कितने उसमें प्रोटॉन है और साथ में कितने उसमें न्यूट्रॉन्स है, ठीक है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो मास नंबर कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी लिख दिया है और नंबर न्यूट्रॉन को एन लिख दिया, ठीक है? इन दोनों का सम हमने क्या लिखा है? ए, विच इज द मास नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या मैं ए माइनस जेड भी लिख सकता हूँ, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल समझाया है कि सपोज कीजिए हम बात करते हैं सोडियम एलिमेंट के बारे में, तो एन ए इज ए सिंबल फॉर सोडियम। 11 इसका एटॉमिक नंबर होगा और 23 इसका मास नंबर होगा, ये आपको पता चल गया। जितना जेड होगा उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होने वाले हैं, ठीक है? और ए जो है वो मास नंबर क्या होगा? जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक्चुअली क्या होता है? ए माइनस जेड कर दूं मैं तो 23 माइनस 11 कर दूं तो 12 उसमें न्यूट्रॉन होगा। तो आपको पता चल गया कि ये जो सोडियम एलिमेंट है इसके अंदर हमारे पास जेड चूंकि 11 था तो 11 इसमें प्रोटॉन होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 इसमें न्यूट्रॉन होने वाले, ये हमें इसके बारे में पता चल चुका। अच्छा, हम डिफाइन कर रहे हैं न्यूक्लियो। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? दिस इज द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस में पार्टिकल पड़े होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन का नाम देते हैं, ठीक है? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम जो है न्यूक्लियॉन का नाम दे सकते हैं क्योंकि दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टोटल न्यूक्लियॉन्स आर देयर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनका सम कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है? और ये जो सम है ये ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ए जो है वो मास नंबर। तो आज हमने डिफाइन किया है यहाँ पे एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन के बाद जो है नेक्स्ट डे ये सारे जो वीडियो लेक्चर होंगे ये हमारे आपको यहाँ पे जो है यूएसबी पेन ड्राइव में आप ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और ये सब लेक्चर जो है आपको आपके घर तक हम पहुंचा देंगे, ठीक है? तो न्यूक्लियो ने कोशिश कर रहा है कि आईटीएन ने जो रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर्स जो कोटा के क्लासरूम में है वो आप तक पहुंचाए जाए।